तो आपकी बुक्स निकालिएगा, बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 20th. क्वेश्चन नंबर 20th देखिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. रितेश ने मुझे आंसर दिया है 90,000. अफसोस, ये गलत जवाब है. तो क्वेश्चन नंबर 20th, पेज नंबर 82. सवाल है छोटा सा, लेकिन सवाल है शैतान. क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कैलकुलेट COGS. COGS निकालना है भाई. COGS निकालना तो बहुत ही आसान होता है. COGS तो हम निकालते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. COGS तो हम इसी तरीके से निकालते हैं. तो देखते हैं हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है. अब मेरे पास यहाँ पर है ओपनिंग स्टॉक 2 लाख गिवन है. परचेजेस की बात करें तो परचेजेस भी गिवन है 10 लाख. क्लोजिंग स्टॉक की बात करें तो वो भी गिवन है 3 लाख. तीनों अमाउंट्स मुझे गिवन है. 2 लाख का ओपनिंग स्टॉक, 10 लाख की परचेजेस, 3 लाख का क्लोजिंग स्टॉक. तीनों अमाउंट मेरे पास गिवन है. लेकिन यहाँ पर जो एक खास बात है, जो सोचने वाली बात है, वो खास बात ये है कि मेरे पास ये जो क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 3 लाख रुपए का, इतिहास में ऐसा कभी नहीं देखा गया है. जो यहाँ देखा जा रहा है, ये क्लोजिंग स्टॉक गिवन है ट्रायल बैलेंस के अंदर. अकाउंट्स के इतिहास में ऐसा कभी देखा नहीं गया. हमेशा क्लोजिंग स्टॉक आप कहाँ देखते हो? ट्रायल बैलेंस के बाहर, हमेशा. अब ये ट्रायल बैलेंस के अंदर पहुंचा हुआ है. आप देखो ना, क्वेश्चन नंबर 20th, ट्रायल बैलेंस फॉर फाइनेंशियल ईयर शोज फॉलोइंग डिटेल्स. ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक है. ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक होने का मतलब ये है कि इसका लेजर अकाउंट बना है. कोई चीज़ ट्रायल बैलेंस के अंदर है, इसका मतलब उसका लेजर अकाउंट बना है. लेजर अकाउंट बना है इसका मतलब इसकी जर्नल एंट्री बनी है. यहीं से आप ये समझ लेना, क्लोजिंग स्टॉक आपको कभी भी ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं दिखता, हमेशा बाहर दिखता है. रीज़न, इसकी जर्नल एंट्री हम नहीं बनाते हैं. जर्नल एंट्री नहीं बनती है तभी वो ट्रायल बैलेंस के बाहर आता है, कि उसको सीधा लेकर के जाओ ट्रेडिंग में और बैलेंस शीट में. अब अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर है, इसका मतलब लेजर अकाउंट भी बना है, इसका मतलब जर्नल एंट्री भी बनी है. ऐसा होता नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा है.
तो मुझे अब ये सोचना पड़ेगा कि इसकी जर्नल एंट्री क्या बनी होगी। बनती तो है नहीं क्लोजिंग स्टॉक की जर्नल एंट्री, पर अब क्योंकि आपका दोस्त कह रहा है, क्योंकि बेटा देखो क्वेश्चन जो होता है ना उसको तो तुम भगवान मान के चलो, जो कह रहा है करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। अब जैसे कंपनी अकाउंट्स के अंदर उम्मीद करती हूँ आप सबको याद होगा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन चाहिए 90%, ठीक है। अगर 90% नहीं आया है तो आपका शेयर इशू फेल है, आपको सारा पैसा वापस करना होगा। अब एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन है, 90% सब्सक्रिप्शन आया नहीं है और वो आपसे कह रहे हैं जर्नल एंट्रीज बनाओ सारी की सारी, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, तो आपके दिल से आवाज़ आ रही है कि यार 90% सब्सक्रिप्शन तो आया ही नहीं, तो ये सारी की सारी एंट्री का मतलब क्या है, शेयर इशू तो हुआ ही नहीं। तो क्या आप वहाँ लिख कर आ सकते हो आंसर के अंदर कि 90% सब्सक्रिप्शन नॉट रिसीव्ड, हेंस क्वेश्चन इज इनवैलिड। तो एग्जामिनर क्या करेगा, योर मार्क्स आर ऑल्सो इनवैलिड। तो मैं हमेशा क्या बोलती हूँ कि भाई सब्सक्रिप्शन आए या ना आए, क्वेश्चन कह रहा है अकाउंटिंग करो तो अकाउंटिंग करो। तो एग्ज़ाम के क्वेश्चंस के अंदर अब ऐसा भी हो जाता है, अब 90% के बिना नहीं होनी चाहिए अकाउंटिंग, लेकिन हम करते हैं। सेम चीज़ यहाँ पर है, क्लोजिंग स्टॉक की जर्नल एंट्री नहीं बनेगी, लेकिन अगर यहाँ पर ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो जर्नल एंट्री बनाई गई है। अब आपको ये सोचना है कि अगर बनानी पड़ी जाए तो हम क्लोजिंग स्टॉक के लिए क्या एंट्री बनाते होंगे। बनाते नहीं हैं हम, लेकिन अब अगर क्वेश्चन कह रहा है कि बनी है तो क्या बनी होगी। आपके आंसर सही आए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम तो सिर्फ सोच रहे हैं क्या बनी होगी। तो आपको जो लगता है आप बताओ क्या एंट्री बनाई गई होगी, क्योंकि तभी तो ये ट्रायल बैलेंस के अंदर आया है, क्योंकि जर्नल एंट्री तो बनी है, तो क्या बनाई गई होगी। तो क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज एक ऑप्शन आ रहा है, और एक ऑप्शन आ रहा है क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग। अब देखो क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग जो होता है ना, ये वाली एंट्री आपकी, इसको हम बोलते हैं क्लोजिंग एंट्रीज। जिस भी आपकी अकाउंटिंग एंट्री में ट्रेडिंग और पीएनएल आता है ना, कभी भी कहीं पर भी आ जाए, उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग एंट्री। और क्लोजिंग एंट्री बनती है हमारी एंड में। तो अगर कोई चीज़ ट्रायल बैलेंस के अंदर आ रही है तो क्लोजिंग एंट्री के बेसिस पे नहीं आ रही, ये इस एंट्री के बेसिस पे आ रही है। तो जो एंट्री हमारी बनती नहीं है ना, वो आप सब ने सही बना ली है। जो हमारी बनती है उसमें तो हमसे गलती हो जाती है, ये तो एंट्री कभी बनती नहीं, वो आप सबने सही बनाई है। मैम यही एंट्री बनाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज, ये एंट्री बनी होगी इसलिए क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आया है, ठीक है। तो हमने कहा भाई ट्रायल बैलेंस के अंदर ओपनिंग स्टॉक आ रहा है 2 लाख का, परचेजेस आ रहे हैं 10 लाख के, क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है 3 लाख का। अगर ये क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर आ रहा है तो इसका तो एक ही रीजन है, जर्नल एंट्री बन चुकी है। जर्नल एंट्री क्या बनी है, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू परचेज, किस अमाउंट से, 3 लाख से। अगर जर्नल एंट्री बन चुकी है मतलब परचेजेस के अंदर ये एडजस्टमेंट हो चुकी है,
और क्योंकि परचेजेस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट हो चुका है, इसलिए इस समय COGS ये क्या आ जाएगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, यानी कि 2 लाख प्लस 10 लाख, 12 लाख। मतलब कि इसको आप ऐसे समझो कि ये जो परचेजेस है ना, ये हमारी 13 लाख की होंगी, ये हमारी 13 लाख की होंगी परचेजेस। पर क्योंकि हमने एक एंट्री पास कर दी ना क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज, इसलिए ये परचेजेस हमारी आ गई 10 लाख पे। और क्योंकि हमने क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी माइनस कर दिया ना, तो अब हम बारी बारी माइनस नहीं करेंगे। इसका मतलब ये जो परचेज है 10 लाख की, इसमें क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी माइनस हो चुका है, तो इसलिए फिर COGS हमारा आंसर क्या रहेगा, 12 लाख। तो हम अपना आंसर देंगे COGS इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज इज इक्वल्स टू 12 लाख। साथ में हम एक लाइन लिखेंगे, दिस जर्नल एंट्री हैज़ बीन पास्ड, देयरफोर अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक शैल नॉट बी डिडक्टेड, क्योंकि ये ऑलरेडी डिडक्ट किया जा चुका है। ये आपका घुमाया फिराया सा क्वेश्चन नंबर 20th है, देख लो एक बार आराम से। अदर एक्सपेंसेस अगर होते तो वो फिर हम ऐड कर देते, अगर इसके अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते तो फिर वो हम इसमें ऐड कर देते। छवि का भी क्वेश्चन ठीक है, छवि कह रही है, और मैम ये जो दुनिया भर की इंफॉर्मेशन दे रखी है हमें, डेटर्स क्रेडिटर्स एक्सपेंस इनकम फिक्स्ड एसेट लायबिलिटी, इसका क्या करना है, तो आप सब समझ ही गए हो, इसका हमें कुछ नहीं करना है। सेवन लाख के जो अदर एक्सपेंसेस है वो डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है ना। जब भी अदर एक्सपेंस लिखा होता है दैट इज ऑलवेज इनडायरेक्ट। तो कोई अगर डायरेक्ट खर्चा होगा तो उसके साथ लिखा आएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे सिर्फ क्या किया, नॉर्मली हम करते हैं ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, यहाँ पर हमने माइनस क्लोजिंग स्टॉक नहीं करा क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है। अगर अंदर दिया हुआ है इसका मतलब वो परचेजेस में से एडजस्ट हो चुका है, तो क्योंकि वो एडजस्ट हो चुका है तो हम फर्दर इसको माइनस नहीं करेंगे। अब दीपिका पूछ रही हैं, चलिए दीपिका का भी सवाल सुन लीजिएगा। दीपिका पूछ रही हैं कि मैम अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, इसका मतलब फर्दर फर्दर अब ये एक ही जगह पर जाएगा। अब क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस के अंदर आ गया ना, अब तो ये आगे एक ही जगह पर जाएगा, तो या तो ट्रेडिंग जाएगा या तो बैलेंस शीट जाएगा। तो क्वेरी ये है कि भाई ये कहाँ जाएगा। तो पहले तो देखो हम लोग बिल्कुल ही गलत चीज़ देख रहे हैं ना, तो ये जर्नल एंट्री में होगा इसलिए ना तो ये ट्रायल बैलेंस के अंदर होगा और ना ही ये सवाल बनेगा। पहली बात तो मैं कह रही हूँ ना, इतिहास से हम अलग चल रहे हैं। फिर भी चलो, अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर है इसका मतलब इसकी जर्नल एंट्री है, और अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो फिर ये सीधा बैलेंस शीट में जाएगा, सीधा बैलेंस शीट में जाएगा। क्योंकि अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर आएगा इसका मतलब आपको GP वो कैलकुलेट करके देंगे, मतलब उस केस में आपका आंसर स्टार्ट होगा P&L से, ये क्वेश्चन आपको करके देगा, इसीलिए आज तक कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो ये आगे सीधा बैलेंस शीट में जाएगा,
और अगर ये सीधा बैलेंस शीट में जाएगा, ट्रेडिंग में नहीं जाएगा, तो फिर जीपी का क्या करेंगे? तो या तो वो जीपी आपको कैलकुलेट करके देंगे, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, परचेज में से क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है, तो अगर आपको जीपी निकालना भी पड़े तो आप वैसे भी करेक्टली निकाल लोगे, आपको सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक शो नहीं करना क्योंकि वो माइनस हो चुका है। तो अगर वो ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो वो सिर्फ और सिर्फ सीधा कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर। तो अब दीपिका ने क्वेश्चन पूछ ही लिया है, तो भाई सभी ध्यान रखिएगा, ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है तो उसकी फर्दर पोस्टिंग डायरेक्टली बैलेंस शीट के अंदर होगी। ठीक है, तो दीपिका कह रही है कि ओके मैम समझ में आ गया, प्रीशा भी कह रही है समझ में आ गया है। तो और ये इसकी मुझे ज़्यादा खुशी है कि मेरे आंसर करने से पहले सबने आंसर खुद ही किया था कि ये बैलेंस शीट में जाएगा, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आप कॉन्सेप्ट्स को पकड़ने लगे हो। आपने इस गलत चीज़ में भी कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया कि भाई चलो अगर ऐसा हो भी जाता है तो जो जर्नल एंट्री हम बना चुके हैं इसका मतलब हम ट्रेडिंग में तो इफ़ेक्ट दे ही चुके हैं, तो ये तो हम सीधा कहाँ लेकर जाएंगे, बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन में एक काम और करते हैं, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर एडिशनल दे रही हूँ। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, सपोज आपके पास ये गिवन है बैलेंस इन क्रेडिटर्स अकाउंट, एज ऑन 1st April 2016, यानी कि क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस है 3 लाख रुपीज। ओपनिंग बैलेंस हमारा है 3 लाख रुपीज। कैलकुलेट अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स ड्यूरिंग द ईयर। बहुत ध्यान से सॉल्व करना, जल्दी मत करना, पहले ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप लिख भी लो। बैलेंस इन क्रेडिटर्स अकाउंट 3 लाख और आपको चेक करना है अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स ड्यूरिंग द ईयर। ये बात क्लियर है, क्रेडिटर्स अकाउंट से ही निकालेंगे हम, तो आप बनाओ अकाउंट और देखो अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स। मैं फिर से कह रही हूँ, गलती करोगे जल्दी मत करना। मेरे पास आंसर्स आ गए हैं 1 लाख, 7 लाख, 9 लाख, 10 लाख। वेरी गुड, आराम से देख लीजिए करेक्ट आंसर। तो देखते हैं हम सबसे पहले करेक्ट आंसर किसने निकाला है। श्रुति कह रही है 9 लाख, प्रतिमा कह रही है 3 लाख, निकिता 1 लाख, यतिन 9 लाख, निकिता 1 लाख, शुभ 7 लाख, निकिता उज्ज्वल 1 लाख, खुशी 9 लाख,
जेरी 12 लाख। ये जेरी यादव, ये यश आपके नाम से है क्या ये? एक सेकेंड, युधिष्ठिर के नाम से ये जेरी आपके नाम का क्या चक्कर है बेटा? सबसे पहले आंसर मुझे आपने ही दिया है करेक्ट, 12 लाख। तो आप सबको ये तो पता चल गया आंसर है 12 लाख, और शायद आपने निकाल भी लिया होगा। देखो 12 लाख कैसे है आंसर, क्रेडिटर्स अकाउंट। तो अब आपने कहा कि हाँ मैम समझ आ रहा है कि कैसे आ रहा है ये। देखो क्रेडिटर्स अकाउंट बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये हमें अभी इंफॉर्मेशन मिली 3 लाख। बैलेंस कैरेड डाउन, ये इंफॉर्मेशन हमें हमारे ट्रायल बैलेंस से मिलेगी। कैरेड डाउन हमारे पास है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स 4 लाख। उसके बाद टू बैंक, ये अमाउंट हमें कैलकुलेट करना है, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स। और यहाँ पर हम लिखेंगे बाय परचेजेस। यहाँ पर सिर्फ आपको ध्यान देना था, अब जब आप परचेजेस लिखोगे तो यहाँ पर मुझे एक्चुअल परचेजेस लिखने हैं ना, जितने का सामान मैंने क्रेडिटर से खरीदा है। तो मैंने जो सामान क्रेडिटर से खरीदा है वो है 13 लाख रुपीस का, है ना? हालांकि मेरे पास बैलेंस आ रहा है 10 लाख का परचेजेस अकाउंट में, लेकिन वो किस वजह से आ रहा है? क्योंकि मैंने एक एंट्री पास करी हुई है क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज वाली। लेकिन अदरवाइज अगर हम देखेंगे तो परचेजेस हमारे 10 लाख के नहीं थे ड्यूरिंग द ईयर, परचेजेस मेरे 13 लाख के थे ड्यूरिंग द ईयर। तो इसलिए यहाँ पर आएगा 13 लाख, और फिर आपका करेक्ट अमाउंट आएगा टू बैंक बैलेंसिंग फिगर 12 लाख। ठीक है, देखो आराम से, ये लास्ट क्वेश्चन था हमारे इस चैप्टर का, आराम से देखो। मानव कह रहे हैं मैम मैंने भी आंसर लिख दिया था। हाँ जी मानव, ज़रूर लिखा होगा आपने। कुछ स्टूडेंट्स ने आंसर दिया था 12 लाख, मैं तो सिर्फ ये चेक करी थी कि सबसे पहले किसने दिया है। तो हमारे यहाँ पे क्रेडिटर्स अकाउंट में सिर्फ ये ध्यान रखना था, परचेजेस हमें 10 लाख नहीं, परचेजेस हमें लेने हैं 13 लाख। और जो हमने पहले निकाला है COGS, इसमें सिर्फ हमें क्या ध्यान रखना है, हम फिर से 3 लाख माइनस नहीं करेंगे, तो COGS हमारा आ जाता है 12 लाख। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग।